हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते एकदम ठीक होंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने आप सबको बताया है कि ITI का ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपना ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाउनलोड भी किया है, लेकिन कुछ लोगों को एरर आ रहा है, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में वही मैं बताने वाला हूं। अगर आपको भी ITI का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है इस वीडियो में यही बताने हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ITI का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बहुत आसानी से इस वेबसाइट पर आप विजिट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ITI की सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे बहुत आसानी से। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको स्किल इंडिया की तरफ से जो भी अपडेट्स होती है वो भी देखने को मिल जाती है। तो आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेनी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेनी प्रोफाइल, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब आपको आपके एडमिट कार्ड से रजिस्ट्रेशन नंबर को देख लेना है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर ऐसे फिल करेंगे। यहाँ पर आपको फादर गार्जियन का जो नाम है उसका नाम फिल करेंगे और इस पर क्लिक करके आपको कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में ये जो नंबर में कैप्चा कोड शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को इस तरह से फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका रिजल्ट इस तरह से शो होकर के आ जाता है, जिसमें कि आपका नाम और आपका फोटो और आपका जितना भी पर्सनल डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें इस तरह से खुल करके आ जाती है। अब आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इस पेज को इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका मार्कशीट डाउनलोड होकर के आता है। अब एक बार मैं यहाँ से फिर बैक आ जाता हूँ। बैक आएंगे तो यहाँ पर प्रिंट कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, इसको भी आप डाउनलोड करेंगे। ये भी सिंपली आपका इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाता है। ये जो मार्कशीट मैंने डाउनलोड किया है ये कोपा ट्रेड का है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी ये इस ईयर का मार्कशीट नहीं है। तो आप जब इस मार्कशीट को डाउनलोड करते हो तो आपको इस तरह से इंटरफेस शो हो करके आता है AITTT 2022 रिजल्ट, यानी आपका रिजल्ट जो है 7 तारीख को आया है और अभी आपको मार्कशीट अवेलेबल नहीं कराया गया है। अगर आपने NCVT बोर्ड से ITI किया है किसी भी ट्रेड से, तो NCVT बोर्ड जो है आपके रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक इस वेबसाइट पे जो है मार्कशीट को एलोकेट कर देता है। तो उसके बाद आप बहुत आसानी से इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपका मार्कशीट आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत आसानी से। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के बाय, जय हिंद।